नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको लखनऊ में कुछ खास दिखाता है कि किस तरह से हर क्षेत्र में कुछ खास हो रहा है, वही हम शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए शिक्षक किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर आप जो हमारे पीछे ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैरियर इंस्टीट्यूट है। कैरियर इंस्टीट्यूट में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है और बच्चे किस तरह से हमारे देश के भविष्य को लेकर के आगे चले, इसके लिए कैरियर इंस्टीट्यूट में इन सब की तैयारी होती है। तो हमारे साथ में यहाँ के जो कोचिंग के टीचर हैं जेपी वर्मा जी, वो है हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं खास बातचीत में कि कैरियर इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए वो क्या खास लेकर के आए हैं। तो जेपी वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं अपने हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल में कि उनसे हम बात करेंगे कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में, किस तरह से आपकी कोचिंग रन कर रही है और किस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं? मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और कैरियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत तो करीब 4 वर्ष पहले से है, लेकिन मैं इस इंस्टीट्यूट में 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। यहाँ पर तो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आपका नीट का भी है, LLB का भी है और IIT JEE है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स का है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स में मैंने इसलिए जो है ज्वाइन किया कि मैं बहुत सुनता था कि गणित बहुत कठिन विषय है और लोग गार्जियन यहाँ तक कहते थे कि बेटा हाई स्कूल किसी तरीके से पास कर लो और उसके बाद में कॉमर्स साइड ज्वाइन कर लेना या आर्ट साइड ज्वाइन कर लेना, गणित मत पढ़ना। तो मैं उन बच्चों के लिए जिनके गार्जियन ने जो है गणित के प्रति जो है उनको भय पैदा कर रखा है, उनको भय हटाने के लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। और मैं बच्चों को बताता हूँ कि अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो इससे अच्छा जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे कम समय में और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बच्चों को गणित पढ़ाता हूँ। जो इंटर पास के बच्चे आते हैं उनको मैं यहाँ पर गणित की शिक्षा देता हूँ। और कोशिश हमारी ये रहती है कि जो 9th से ही बच्चे अगर आ जाएं तो उनको 4 साल का कोर्स जो है वो रख करके 9th, 10th, 11th, 12th करके उनकी इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। और जो 12th पास आते हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं अपने। तो अगर बच्चों को बेसिक जो है नॉलेज बढ़िया रहेगा तो कोई तरीका नहीं है कि उनको जो है गणित में डर लगे, इसलिए जो है मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। क्योंकि बेसिक का जो आपने नाम लिया तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेसिक जो होती है वो हमारी नींव होती है। अगर आप उन बच्चों की नींव मजबूत करेंगे तो इमारत खुद पे खुद अच्छी उसका निर्माण भी होगा। तो सर ये बताइए, आपके पढ़ाने के तरीके के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत कठिन कठिन चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर देते हैं जैसे चाय में चीनी घुल जाती है। अब तरीका है पढ़ाने का अपना, अलग अलग तरीका है। हम तो बच्चे को पहले वहाँ पर लाते हैं कि कहाँ पर वो कठिनाई महसूस करता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि तुमको क्या चीज़ नहीं आती, और वहीं से स्टार्ट करके मैं उसको आगे ले आता हूँ और उसमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता हूँ कि वो जो है वो गणित पढ़ने के लिए लालायित हो जाता है। तो कुछ ही दिनों में हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जेपी वर्मा जी किस तरह से बच्चों को क्लासेस देते हैं, वो भी आप हमारे साथ में देखिएगा। तो उसी तरह से कैरियर इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकता विकास मंच भी उनके साथ में आ रहा है कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच जिस तरह से हर क्षेत्र में कार्य करता रहता है वो हम आपको दिखाते हैं, साथ में शिक्षा के जगत में वो किस तरह से कैरियर इंस्टीट्यूट का साथ दे रहा है। तो हमारे साथ में आप जुड़ रहे हैं, सत्य कुमार वर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता विकास मंच कार्य जो है आपका कैरियर इंस्टीट्यूट का साथ दे रहा है और किन किन जिलों में उनका ये कैरियर इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके चैनल के माध्यम से यह बात मुझे जनता तक कहने का एक मौका मिला है, अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए मौका मिला है। और मैं यहाँ के जो प्रबंधक जी हैं मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और बताया कि ये कैरियर इंस्टीट्यूट किस तरीके से कार्य कर रहा है। हमने देखा कि लखनऊ के अंदर कैरियर इंस्टीट्यूट आज टॉप पर है और नंबर 1 पे काम कर रहा है। अब हमारा राष्ट्रीय एकता विकास मंच इनका प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक दृष्टिकोण से सहयोग करेगा।
जो हमारे बच्चे हैं उनका सहयोग करेगा, जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रीय एकता विकास मंच प्रत्येक दृष्टिकोण से बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उनको कैरियर के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। जैसे कि बताया है कि बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आपके यहाँ, BA, LLB, LLB, LLM, JEE, फाउंडेशन, नीट, एनम, जेनम, डी फार्मा, बी फार्मा, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के अंतर्गत बच्चे जो है अपना कैरियर संवारते हैं, अपना फ्यूचर बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता विकास मंच, जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय एकता विकास मंच की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो जितने भी कैरियर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बच्चे आएंगे उनको रिबेट देगा, उनको पुरस्कार देगा, उनको सम्मानित करेगा और गरीब तबके बच्चे को आगे बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए अमीर घर के बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं, फीस दे देते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके पैसे का अरेंजमेंट जो है उनके गार्जियंस कर लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय एकता विकास मंच कार्य कर रहा है और उनको आगे बढ़ाएगा। तो न्यूनतम फीस क्या स्टार्टिंग रहेगी? तो जो भी इनकी न्यूनतम फीस है कैरियर इंस्टीट्यूट की, तो उस न्यूनतम फीस में जो हमारे सदस्यगण हैं, अगर राष्ट्रीय एकता विकास मंच की सदस्यता किसी ने ले रखा है और राष्ट्रीय एकता विकास मंच की उन सदस्य जो गार्जियन सदस्य ले चुके हैं, उन बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों में हमारा 10% डिस्काउंट करेगा और उनको आगे बढ़ाएगा। 10% का सहयोग राष्ट्रीय एकता विकास मंच करेगा। जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की करेगा। जो राष्ट्रीय एकता विकास मंच की सदस्यता ले चुके हैं, जो हमारे टॉपर्स हैं यूपी के, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे CBSE बोर्ड के हों, चाहे ICSE बोर्ड है, अगर ऐसे बच्चे हमारे संस्थान में आते हैं और कैरियर इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग विशेष आकर्षक हैं, उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे और विशेष सुविधाएं देंगे। जैसे कि कैरियर काउंसलिंग करता है, ये हमने देखा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। अब हमने देखा लखनऊ जैसे शहर में बहुत हाई फाई फीस है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत अच्छी फीस ली जाती है, बड़े बड़े संस्थान लेते हैं। तो हम अगर इस संस्थान में आता है तो जो हो सकेगा उनको किया जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ पे जो क्लासेस आपका जो लखनऊ में है दैनिक जागरण चौराहे के पास में, तो यहाँ पे क्लासेस कितने समय तक चलेगी? ये यहाँ का जो शेड्यूल है वो 10 बजे से 4 बजे तक है और 10 से 4 के बीच में स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है पढ़ाया जाता है, उनको जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जो यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले स्ट्रक्चर हैं, वो अलग अलग तरीके की शिक्षा उनको प्रदान करते हैं, उनके सब्जेक्ट रिलेटेड जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और उनको कैरियर में आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो है कैरियर इंस्टीट्यूट के शिक्षक JP वर्मा जी से बात करी, राष्ट्रीय एकता विकास मंच के आपका जो है अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सत्य कुमार वर्मा जी से बात करी, तो कैरियर इंस्टीट्यूट के जो यहाँ के प्रबंधक और साथ में राष्ट्रीय एकता विकास मंच के संरक्षक जी हैं, समीर जी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि उनका कैरियर इंस्टीट्यूट जो बच्चों के लिए लेकर के आया है कि कम पैसे में अच्छी सुविधा के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए, जिस तरह से गांव-गांव में जाकर के जागरूकता अभियान भी चला रहा राष्ट्रीय एकता विकास मंच, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, करियर इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए क्या योजना आप लोगों ने सोची और क्या आपने लोगों ने ऐसा सोचा कि इसकी शुरुआत करा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का जो भाव है वो सेवा का है कि जो समाज का पिछड़ा तबका है और फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको हम कम पैसों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें। उसी नज़रिए को सोच के हम लोगों ने हज़रतगंज में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर अलीशा अपार्टमेंट में कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से एक ब्रांच शुरू की है, जिसमें ANM, GNM, LLB, IIT, JEE जैसे कोर्सेज जो है वो हम कराते हैं और करियर काउंसलिंग भी करते हैं। जिन बच्चों को या उनके गार्जियंस को ये मालूम नहीं है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो हम उसको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको इस फील्ड में चले जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेन नज़रिया तो यही है
के तमाम लोगों तक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो सके। जैसे सर बहुत से स्कूल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, वहाँ पे ये सुविधा नहीं है, क्योंकि आज भी आप देखिए जो भी IAS होता है, PCS होता है या इंजीनियर होता है, वो कहीं ना कहीं से गाँव की ही मिट्टी से पैदा होता है, लेकिन गाँव में ये सुविधाएँ नहीं होती, तो गाँव के लिए क्या चीज़ें? देखिए गाँव के लिए तो यही है कि वो यहाँ आए और पढ़ें और कम पैसों में हम उनको जो है वो अच्छी शिक्षा जो है उपलब्ध करा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा? जी हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा, जो अपने घर बैठे पढ़ सकें, तो उसके लिए बहुत ही नॉमिनल से पैसों में वो इस चैनल का जो है सब्सक्रिप्शन ले लें और अपने घर बैठे तैयारी करें, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सत्य कुमार वर्मा जी हैं, तो उन्होंने कहा जैसे कि जिसने भी जो है राष्ट्रीय एकता विकास मंच की सदस्यता ली तो उसको इस पर 10% की छूट भी मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, हमारा मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि कम से कम नॉमिनल चार्जेस में अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चों को उपलब्ध करा सकें, और जो छूट देने की बात कही गई है वो इसीलिए कही गई है कि अगर कोई उतना पैसों का प्रबंध नहीं कर पा रहा है तो उसको छूट दी जाएगी। विनोद जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि ये कैरियर इंस्टीट्यूट को पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे कि जिस तरह से बच्चों के भविष्य को लेकर के हर चीज़ हर तरह से व्यवस्थित हो, तो विनोद जी क्या कहना चाहेंगे कैरियर इंस्टीट्यूट को? देखिए कैरियर इंस्टीट्यूट हमारा पहले से काफ़ी चल रहा है, व्यवस्था दुरुस्त क्या करेंगे, इस सेंटर को दुरुस्त करना है और हमारा तो कई जगह चल रहा है, और चूँकि मैं राष्ट्रीय एकता विकास मंच का सह प्रभारी होने के नाते काफ़ी जिम्मेदारियाँ मुझको दे रखी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने, तो जो मुझसे कहा जाता है मैं उसका पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। चूँकि हमारे बैच इतने ज़्यादा चलते हैं, अब छोटे बच्चों को तो हम शाम को 4 बजे बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वही घर जाना पड़ता है, लेकिन बड़े बच्चों का जो होता है उसके बाद भी चलते हैं। आप यूँ समझिए कि 8 बजे तक हम लोग क्लासेस चलाते हैं, फिर हमारे सर लोग अपने चले जाते हैं, उनको सबके पास अपने अपने काम हुआ करते हैं, और हमारी प्लानिंग ये है कि हम इसको ऑनलाइन भी करने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट बैच अभी जो भी है वहाँ से हम शुरू कर देंगे ऑनलाइन भी। विनोद जी ने बहुत अच्छा बोला कि जो बच्चे दूर दूर से भी हैं अगर वो कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो वो यहाँ पे जो है अपना ऑनलाइन क्लासेस भी ले करके अपने भविष्य को और सुनहरा कर सकते हैं, तो सर और क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए ऑनलाइन की व्यवस्था ये रहती है कि ऑनलाइन एक तो हम लोग फीस बहुत कम रखेंगे, जो भी आपने अभी तक देखा होगा फीस बहुत ही कम रहती है, सारे लोग यहाँ अप्रोच नहीं कर सकते, हमारे पास स्टाफ बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे जो स्टाफ हैं वो ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत माहिर हैं, तो बाहर के दूर के जो बच्चे हैं घर बैठ करके शिक्षा ले सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस पर। आलमबाग में भी आपका एक इंस्टीट्यूट? नहीं आलमबाग में तो हमारा पहले से चल रहा है, आलमबाग में पहले से चल रहा है, ये हमने अभी जल्दी खोला है, यहाँ बच्चों की संख्या अभी बहुत ही कम है, बाकी सब जगह तो अच्छा चल रहा है, अच्छा जब संख्या ज़्यादा हुई तभी हमें दूसरा सेंटर खोलने की जरूरत पड़ी, तो जो बच्चे मेरा फोकस यही है, यहाँ तो सब ऑफलाइन तो चले गए लेकिन ऑनलाइन पर हम लोग ज़्यादा जोर इसलिए भी देंगे कि तमाम बच्चे बाहर के नहीं आ सकते, लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर बताइए अब वहाँ हॉस्टल नज़दीक है कि नहीं है, तो अब हम उनको हॉस्टल बताएँ फिर वो उनका खर्चा वो बेचारे वहाँ बहन करें, तो वो ऑफलाइन वहाँ से आने के बजाय ऑनलाइन वहाँ से कुछ कम पैसे में बहुत टोकन अमाउंट में उनको वो सारी सुविधा देने का प्रयास करूँगा जो मैं दे सकता हूँ। कम पैसों में अच्छी शिक्षा देने के लिए करियर इंस्टीट्यूट लेकर के आया, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सुनहरा मौका लेकर के आया, और जिसका साथ दे रहा है राष्ट्रीय एकता विकास मंच दे रहा है, तो आज हम आपको लेकर के आए थे करियर इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा लेकर के आया करियर इंस्टीट्यूट, जिसका साथ दे रहा है राष्ट्रीय एकता विकास मंच, तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।